कोयला चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन, 3 से 4 टमाटर की प्योरी, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साबुत गरम मसाले में है 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा जायफल, थोड़ा सा दालचीनी, 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, और 4 से 5 लौंग, और 1/2 टुकड़ा जो है जावित्री, और 3 से 4 लाल मिर्च और तेज पत्ता, 1/2 किलो हमने प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, 1 टुकड़ा कोयला लिया है, 2 चम्मच टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल और 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और 250 ग्राम दही। पैन को अब हमने गरम कर लिया है थोड़ा सा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। थोड़ा सा जब ये गरम हो जाए तो इसमें आपको डालना है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको थोड़ा सा मिला, मिलाने के बाद अब मैं डालूंगा इसमें चिकन। चिकन को थोड़ी देर इसमें फ्राई करना है जिससे उसके जूसेस जो है अंदर लॉक हो जाए। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें चिकन। मैंने चिकन को डाल दिया है और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको चलाऊंगा जिससे कि अदरक और लहसुन का पेस्ट बराबर मिल जाए। थोड़ी देर इसको 2 मिनट से हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसको हम अलग बर्तन में निकाल देंगे। चिकन को हमने निकाल लिया है, अब चिकन निकालने के बाद मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा ऑयल। ये ऑयल डालने के बाद इसको मैं थोड़ा स्टीच कर दूंगा जिससे थोड़ा गर्म हो जाए। इसके बाद मैं तेज पत्ता लूंगा, तेज पत्ते को इसके अंदर डालूंगा। तेज पत्ते को डालने के बाद अब बचे हुए जिंजर गार्लिक को मुझे इसमें डालना है। डालने के बाद इसको चला देंगे अच्छे से, चल जाए, ध्यान रहे कि ज्यादा पकना नहीं चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगा प्याज। प्याज को मैंने डाल दिया है पूरा। ये प्याज मेरा डल गया, आंच को थोड़ा मीडियम रखना है और उसको अच्छी तरह चला दें। अब इसी तरह इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें जब तक प्याज आपका ब्राउन ना हो जाए। 5 मिनट मैंने इसको भून लिया है और आप अब देखेंगे ये प्याज थोड़ा थोड़ा कैरमलाइज होने लगा है। इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूंगा चिकन, जो मैंने भून के चिकन को रखा है निकाल के फ्राई करके, अब इसको मैं इसमें डाल दूंगा। अब चिकन को मैंने थोड़ी देर चलाया, इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा दही। दही को मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से
और ध्यान रहे कि आज को थोड़ा धीमा कर दें, नहीं तो दही फट जाएगी। इसके बाद दही डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगा टमाटर की प्योरी। नमक को हम अभी नहीं डाल रहे हैं, थोड़ी देर बाद डालेंगे। उसके बाद जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मैं सारे इसमें डाल दूंगा। मसाला पाउडर और ये तीन जो है लाल मिर्च मैंने डाल दी। जो साबुत गरम मसाले थे उसको हमने थोड़ा सा रोस्ट करके इसका हल्का सा क्रश कर लिया, तो ये इस तरह से लगने लगे। इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद डालूंगा थोड़ा पकने के बाद। 10 मिनट के बाद चला, आप बीच बीच में मैंने इसको चलाते रहा हूँ। आप 10 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन खोल के और ये जो गरम मसाले आपने रोस्ट करने के बाद जो कूक के रखा हुआ था ये आप इसमें डाल दें, कुछ इस तरह से इसमें डाल दिया। नमक अपने टेस्ट के अनुसार। लगभग 20 से 25 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे इसका कलर ऐसा हो जाएगा, तेल ऊपर आने लगेंगे, इसका मतलब है अब मेरा चिकन लगभग तैयार है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने घी लिया था उस घी को एक पैन में गरम करेंगे। गरम करने के बाद उसको इसमें छौंक मारेंगे। जो लास्ट पार्ट है जिससे आपके चिकन में बहुत सारी अच्छी सी खुशबू आएगी वो है कोयला। कोयले को मैं पूरी तरह से जला लूँगा और जलाने के बाद मैं एक छोटी सी कटोरी लूँगा जिसमें कोयले जलते हुए कोयले को रख दूंगा और थोड़ा सा मैंने घी बचा के रखा है उसके ऊपर मैं डालूंगा और ये सारा जाएगा हमारे चिकन में जिससे धुआं सा निकलेगा और वो धुआं इसमें समा जाएगा। कोयले को मैं इसके अंदर रख दूंगा और जो बचा हुआ घी है मैं इस पर थोड़ा सा डालूंगा। डालने के बाद आप देखेंगे इसमें धुआं सा निकलने लगा है। अब मैं इसको अच्छी तरह से बंद कर दूंगा। निकाल लिया है, इसमें थोड़ा सा धनिया, ये आपका लाल मिर्च थोड़ा सा डाल के आप नान, चपाती या राइस के